बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दिस इज़ योर होस्ट पेरिस से दानिश रियाज खान। आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा एक यंग डायनेमिक बैरिस्टर से। उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनका ये जो सफ़र था फ्रॉम वेरी बेसिक टू बिकम अ रिनाउन एंड वेल नोन बैरिस्टर, ये सफ़र उन्होंने किस तरह तय किया। तो मैं आपका मिलाना चाहूँगा बैरिस्टर राजा अदनान साहब से। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम राजा साहब। मेरे व्यूअर्स को ये बताएं कि किस तरह आपने ये सोचा कि यू वांट टू बिकम अ बैरिस्टर एंड लीड दिस लीगल फ्रेटर्निटी। असल में ये है कि ये जो नाम था, एक तो इटसेल्फ बैरिस्टर, तो ये मुझे बड़ा फैसिनेट करता था, ये आप इस टर्म को कह लें। और साथ में मुझे जो है कि एक बतौर एक स्टूडेंट, मुझे रीडिंग का भी काफ़ी हद तक जो है वो ज़िंदगी में इसका इसके साथ रहा, शौक़ भी रहा। तो फिर मैं जब मैंने ग्रेजुएशन की पाकिस्तान से, तो मैंने ये देखा कि मेरे लिए कौन सा सूटेबल प्रोफेशन था। तो अगर इन अदर सेंस करें तो मैं शायद, ये आम मेरे दोस्तों में ये बात फेमस है कि मैं बोलता भी बहुत ज़्यादा हूँ, तो मैंने कहा कि ये एक प्रोफेशन ऐसा है जिसमें जिसकी कुछ वजूहात मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो मैंने ये फ़ैसला किया कि मुझे लॉ की फील्ड में जाना चाहिए। तो इसके बाद मैं यूके चला गया, उधर से मैंने जो है वो फिर अपना एक स्टडी कैरियर जो है वो शुरू किया। तो इस तरह करके फिर आगे जो है वो ज़िंदगी बस चलती रही। जो हमारे व्यूवर्स हैं, एस्पिरेंट हैं, जो बनना चाह रहे हैं बैरिस्टर्स, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, ये बताना चाहेंगे कि कौन सी हार्डशिप्स हैं जिनसे गुज़र कर आपने ये सफ़र तय किया? देखें, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा इस तरह देख लें कि बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, मतलब इसमें डिफरेंस मैं आपको थोड़ा सा बताऊं पाकिस्तान या यूके के हवाले से, तो हमारे जनरली, मैं सबके बारे में तो ये नहीं कह सकता, लेकिन जनरली हमारे जो आप मेरिट को देखें यूनिवर्सिटीज़ के, तो उसमें मेडिकल या जो कि इंजीनियरिंग है उसका मेरिट काफ़ी हाई होता है लॉ के बनिस्बत, अगर आप इसको कंपेयर करें लॉ डिग्री से। लेकिन अगर आप यूके में जाते हैं, तो यूके में मैंने मुख्तलिफ़ जगह जब ट्रैवल कर रहा होता था, तो इतना, क्योंकि टाइम को सेव करने के लिए अक्सर जब ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं, तो मैं अपनी बुक्स खोल के मैंने पढ़ना शुरू कर देनी है, या अपनी जो क्लासेस हैं उनके जो हैं प्रिपरेशन वो शुरू कर देनी। तो अक्सर जब लोग मुझसे पूछते थे, साथ कोई अगर जो पैसेंजर बैठा होता था, तो पूछना कि आप क्या कर रहे हैं, या कोई भी अननोन बंदा, तो मैंने जब उसको बताना कि आई एम अ लॉ स्टूडेंट, तो वो मुझे लाजमी कहते थे कि यू मस्ट बी वेरी इंटेलिजेंट, या इस तरह के उनके जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो मुझे आते थे। हालांकि अगर आप इसको कंपेयर करें पाकिस्तान से, तो इस तरह नहीं है। यूके में जो है वो, आपका क्वेश्चन क्या था? मेरा नहीं, कोई हार्डशिप्स जो आपने देखी हैं और जिसमें से गुजर कर आप, मैं ये कहूँगा कि ये, आपने फिर इधर से आगे ले लेना है इसको। मैं इसके बारे में ये कहूँगा जी, आपको अगर लॉ करना है, तो इसके लिए फिर एक, जो मेरी नज़र में जो एक बीइंग अ लॉ स्टूडेंट और लेटर ऑन इन योर प्रोफेशन, तो एक अच्छा रीडर होना चाहिए, रीडर लवर होना चाहिए उस बंदे को। तो अगर बंदा रीडर लवर है, ये अमंग अदर स्किल्स एक स्किल आपको बता रहा हूँ, तो इसमें रीडिंग, हार्ड वर्क इन टर्म्स के आप कहें कि एक प्रिपरेशन के लिहाज से, जिस तरह के उसमें काफ़ी ये टाइम कंज्यूमिंग मतलब उसकी प्रिपरेशन होती थी, तो रीडिंग के हवाले से मैं आपको कहूँगा कि ये एक मतलब है। दूसरा, जो पाकिस्तान से स्टूडेंट्स जाते हैं, मैं नॉट ऑल ऑफ देम, लेकिन एक लैंग्वेज का भी हो सकता है, क्योंकि हमारा अगर आप देखें तो सारा जो लॉ है वो भी इंग्लिश में है, तो इसके लिए आपको लैंग्वेज के ऊपर, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर एक अच्छी ग्रिप होना ज़रूरी है। बैरिस्टर साहब, हमारे व्यूवर्स जो हैं वो कुछ, मैंने देखे हैं, मैं खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ, कुछ लोग अनफेमिलियर हैं इन दो वर्ड्स के साथ, सॉलिसिटर एंड बैरिस्टर्स। इसमें आप डिफरेंशिएट करके बताएं मेरे व्यूवर्स को कि ये क्या दो टाइटल्स हैं। बेसिकली देखें, जब हम इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूके देखते हैं सॉलिसिटर और बैरिस्टर को, तो इनकी ट्रेनिंग मैं आपको थोड़ा सा अगर शुरू से बताऊं, तो इनकी ट्रेनिंग ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। बैरिस्टर्स की जो ट्रेनिंग होती है वो एक इलादा कोर्स है, जब मैंने किया था तो उसको BPTC बार प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स कहते थे, अब शायद उन्होंने नाम उसका कोई चेंज कर दिया, बार वोकेशनल कोर्स। तो
तो वो उसमें ये है कि आपको ज़्यादा जो मेनली फोकस किया जाता है वो आपकी एडवोकेसी जो स्किल्स हैं, इसमें जिस तरह आप इधर पाकिस्तान में देखते हैं कि हमारे जो कोलीग्स हैं लॉयर्स, वो फाइलिंग का काम भी खुद सारा करते हैं, कोर्ट रूम एडवोकेसी भी करते हैं, ड्राफ्टिंग भी करते हैं। तो उधर उन्होंने इन इन दो जो के ब्रांच ऑफ आप इसको कहेंगे प्रोफेशन है, इसको उन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है कि सोलिसिटर जो होते हैं वो क्लाइंट के साथ इनिशियल मीटिंग करते हैं, उनका जो ट्रेनिंग कोर्स है LPC लीगल प्रैक्टिस कोर्स, वो भी बैरिस्टर से लादा है, तो उसमें उनकी जो ट्रेनिंग की जाती है वो क्लाइंट हैंडलिंग की जाती है कि आपने क्लाइंट्स के साथ जो इनिशियल मीटिंग है, इसके अलावा कोर्ट फाइलिंग के बारे में उनको ज़्यादा जो है वो ब्रीफ किया जाता है इसमें, जबकि बैरिस्टर्स को जो है वो एडवोकेसी के बारे में जो है वो ज़्यादा उनकी ट्रेनिंग की जाती है। तो मेनली तो ये एक ट्रेनिंग में फ़र्क है। जब आप प्रैक्टिस में जाते हैं तो प्रैक्टिस में भी आप देखें कि UK में बैरिस्टर जो हैं, जो कि जिनकी डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, तो वो क्लाइंट के साथ डायरेक्टली वो कम्युनिकेट भी नहीं करते अमूमन। एक क्लाइंट आएगा, वो सोलिसिटर्स के पास आएगा, सोलिसिटर जो है वो आगे जो भी बैरिस्टर समझेंगे कि ही इज़ कॉम्पिटेंट इनाफ, तो वो उनको रेफ़र करके, तो इस तरह वो होता है। तो जो मेनली आप डिफरेंस कहेंगे वो ये है कि जो सोलिसिटर्स हैं वो कोर्ट फाइलिंग और इस तरह के जो जॉब्स हैं वो करते हैं, और बैरिस्टर जो हैं वो मेनली उनकी जो जॉब होती है वो कोर्ट रूम एडवोकेसी होती है। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक मेरा क्वेश्चन है, उसके बाद इसको स्विच करते हैं, किसी और मोड में चलते हैं। ये बताएं कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट योरसेल्फ बिफोर बिकमिंग अ बैरिस्टर एंड आफ्टर बिकमिंग अ बैरिस्टर, व्हाट्स अ चेंज यू फील इन योरसेल्फ? देखिए, जो एक बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, मैं ये समझता हूँ कि जो मुझे इस प्रोफेशन में सबसे अच्छी बात जो लगती है वो ये है कि लीगल फ्रेटर्निटी में लॉजिक को फॉलो किया जाता है। इसमें इस तरह होता है कि आप एक दलील देते हैं, दलील के बाद एक उसके बाद आप एविडेंस प्रेजेंट करते हैं, और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई अपोनेंट है जो कि जिसके पास इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस या दलील नहीं है कि उसको रिबट कर सके या रद्द कर सके आपके, तो वो उसको मतलब करेगा ही नहीं। तो बात यह है कि इसमें अगर आप इसको मैं समराइज़ करूँ तो यह है कि ये एक वैसा प्रोफेशन है जिसमें लॉजिक को माना जाता है, और जो इंसान आप वैसे भी अगर ज़िंदगी में देखें, लॉजिक को मान लेने वाला जो है वो डिस्प्यूट में कम ही जाएगा, फिर वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव जो चीज़ें होंगी उनमें उसका फोकस होगा। अच्छा, मैंने जैसे कहा कि इसको स्विच करते हैं, अब आपने बार कंप्लीट करने के बाद आपने पाकिस्तान में भी प्रैक्टिस की, आपने इंटरनेशनल भी प्रैक्टिस की, पाकिस्तान में कौन कौन सी ऐसी फ्लॉज आपने देखे हैं जिन्हें हमें बेहतर करने की ज़रूरत है, जो जस्टिस सिस्टम को इम्प्रूव कर सके, स्पीडी जस्टिस पाकिस्तान में होना चाहिए? सारे लोग इस पर बात करते हैं लेकिन कोई दलाइल के साथ, कोई एक प्रपोज़ल के साथ, स्ट्रॉन्ग प्रपोज़ल के साथ आज तक कोई सामने आया नहीं है, इसके बारे में आप क्या व्यूज़ रखते हैं? देखिए, मैं अक्सर जब मेरे जो कोलीग्स हैं या फ्रेंड्स हैं वो ये क्वेश्चन करते हैं, तो इसमें मुझे थोड़ा सा आपका टाइम दरकार होगा। मैं अक्सर उनको ये मिसाल देता हूँ कि आप अगर हिस्ट्री में जाएँ तो हमारे बरेसगीर के ऊपर मुग़ल जो हैं एम्परर, उन्होंने ज़्यादा देर हुकूमत की बनिस्बत गोरों के, अगर आप इसको देखें, या मुसलमान हुक्मरानों ने, लेकिन उसके बाद फिर अंग्रेज़ आए, उन्होंने हुकूमत की, और लेकिन उन दोनों जो अदवार हैं, अंग्रेज़ से पहले का और इसके बाद का जो ब्रिटिश हैं, तो उसमें एक फ़र्क आपको ये नज़र आएगा कि उनके पास ब्रिटेन से पहले उनके पास जो है वो कोई प्रॉपर सिस्टम उन्होंने नहीं इस इलाके को दिया, लेकिन आप जब ब्रिटेन को देखते हैं, उन्होंने आपको सिविल प्रोसीजर कोड दिया, आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दिया, ये दो ऐसे लॉज हैं जो कि आपके फौजदारी मामलात और दीवानी मामलात को डील करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे ने कोई क्राइम कमिट किया है तो उसका तरीकाकार क्या होगा, FIR होगी, ये सारा प्रोसीजर, मैं उस डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। तो ये है कि उन्होंने आपको एक निज़ाम दिया, अब इशू ये है कि जो उन्होंने आपको निज़ाम दिया ब्रिटेन ने, वो बेसिकली एक, ये बातें भी बहुत ज़्यादा आप लोग जानते हैं कि वो एक ग़ुलाम जो कौम है उसके लिए था, वो मतलब अपने मुल्क में वो राइज नहीं था।
तो अब हमारे मुल्क का ये प्रॉब्लम है कि अगर आप सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम किसी एक चीज़ से सिर्फ अगर आप कहें कि लेजिस्लेशन कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, तो ये बिल्कुल मैं इस बात से एग्री नहीं करूँगा। अनफॉर्चुनेटली सिस्टम में आपकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सिस्टम में आपकी अगर आप क्रिमिनल हवाले से बात कर रहे हैं तो आपकी पुलिस आती है, आपकी कोर्ट्स आती हैं, आपके लॉयर्स आते हैं, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आती हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये मिल के एक सिस्टम को बनाती हैं। मैं इसमें फर्दर अगर मैं किसी के बारे में अपने आप के बारे में अगर बात करूं, अपने प्रोफेशन के बारे में, तो आप ये देखेंगे कि एक जो लॉयर है उसके लिए सिस्टम को, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि इधर ये आप बीच में से काट दीजिएगा, फॉर एग्जांपल अच्छा फिर इसमें जाते ही नहीं है, फिर ठीक है ना यार, तो आप जितनी बातें करेंगे हम करते रहेंगे, क्लोजिंग पे कर देते हैं। तो ये सारी वो जब मैंने कहा था कि सिस्टम जो है वो चीज़ों से मिलके बनता है, तो ये सारे जो इदारे हैं ये सिस्टम को मिलके तो एक सिस्टम को बनाते हैं। आप देखें कि जिस तरह के यूके में फॉर एग्जांपल आप कोई भी डिग्री करते हैं, जब आप प्रोफेशन में जाते हैं तो आपको रेलिवेंट कोड ऑफ कंडक्ट जो कि एथिक्स के बारे में है वो एक पढ़ाया जाता है। आप बिज़नेस करते हैं तो आपको कोड ऑफ बिज़नेस होगा, आप लॉ करते हैं तो आपको कोड ऑफ कंडक्ट होगा, डॉक्टर बनते हैं तो इसी तरह आपका कोड ऑफ कंडक्ट होगा। तो वो एक चीज़ों की उन्होंने लिमिट्स दे दी हुई हैं। हमारे सिस्टम में एक प्रॉब्लम ये है कि हमने इसको जो है इसमें कोई कोड ऑफ कंडक्ट उस तरह वो रिटन में तो हैं लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं करते। इसी तरह सिविल प्रोसीजर रूल है, ये एक लंबी डिबेट इसके लिए दरकार है कि सिस्टम जो है उसकी उसको बेहतर बनाने के लिए जो है ये एक इसके लिए एक लंबी सेशन एक दरकार है। मैं एक मतलब सिंपल सी इसमें नहीं कर सकता, उसको सिंप्लीफाई करके नहीं बता सकता। तो बहरहाल ये है कि हमारे कंट्री में बहुत सारे रिफॉर्म्स जो हैं वो मतलब रिक्वायर्ड हैं इस सिस्टम को ठीक करने के लिए। अगर आप कहते हैं तो अभी उन पर बात कर लेते हैं, नहीं तो किसी और सेटिंग में फिर वो हम इसको नेक्स्ट सेटिंग में उस पर बात करेंगे। आपने जैसे कहा कि इस मुल्क में बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं, उनमें हम आपसे आपके ओपिनियन लेंगे। फॉर द टाइम बीइंग आई एम वेरी थैंकफुल फॉर योर वैल्यूएबल थाट्स, और आपने मेरे व्यूअर्स को इनलाइटन किया इस जर्नी के हवाले से कि हाउ टू बिकम अ बैरिस्टर। इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, थैंक यू वेरी मच। देखिए एक सोशल जस्टिस सिस्टम जो है, मैं इसको कहूंगा कि सोशल जस्टिस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारे इदारे इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिकली हमें अपने सोशल जस्टिस सिस्टम को, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कोर्ट्स हों, उनके प्रोसीजर्स हों, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, लॉयर्स का कोड ऑफ कंडक्ट है, लॉयर्स बीइंग अ स्टूडेंट लॉ स्टूडेंट की ट्रेनिंग है, तो हमें ये सारी चीज़ों को एक सोशल जस्टिस सिस्टम के रिफॉर्म के लिए ये सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा, और फिर जाके तो हम ये कह सकते हैं कि हमने रिफॉर्म किया। अगर आप एक लेजिस्लेशन को सिर्फ चेंज कर देते हैं तो इससे मेरे ख्याल में रिफॉर्म जो एक आप ओवरऑल रिफॉर्म कहेंगे वो पॉसिबल नहीं होगा। थैंक यू। ये जो है, हाय, आई एम बैरिस्टर राजा अदनान। टुडे वी विल टॉक अबाउट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन स्पेशली इन रिगार्ड्स टू पाकिस्तान। देर आर फ्यू प्रॉब्लम्स दैट वी सी इन आवर सिस्टम, दैट व्हाई द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज नॉट कमिंग अप टू पाकिस्तान। सो आई विल हाईलाइट फ्यू ऑफ देम। द फर्स्ट ऑफ ऑल, we do not have a system that can facilitate the foreign investors. For example, in a simple form, I would say the ease of business. So if you see majority of countries where the ratio of foreign investment is high, so you will also find at the same time that the ease of doing business in those country is very much better than when compared to those countries which have a very complicated procedure. Bismillahir Rahmanir Rahim. This is your host Paris to Danish Riaz Khan. Aaj main aapki mulaqat karwaunga ek young dynamic barrister se. Unse hum janna chahenge ki unka ye jo safar tha from very basic to become a renowned and well known barrister, ये सफ़र उन्होंने किस तरह तय किया, तो मैं आपका मिलाना चाहूँगा बैरिस्टर राजा अदनान साहब से। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम राजा साहब। मेरे व्यूअर्स को ये बताएं कि किस तरह आपने ये सोचा कि यू वांट टू बिकम अ बैरिस्टर एंड लीड दिस लीगल फ्रेटर्निटी।
असल में ये है कि ये जो नाम था एक तो इटसेल्फ बैरिस्टर, तो ये मुझे बड़ा फैसिनेट करता था, ये आप इस टर्म को कह लें। और साथ में मुझे जो है कि एक बतौर एक स्टूडेंट मुझे रीडिंग का भी काफ़ी हद तक जो है वो ज़िंदगी में इसका इसके साथ रहा, शौक भी रहा। तो फिर मैं